तो हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के बीच फाइट कराएंगे और डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर बढ़िया है और कौन सा कैरेक्टर कम बढ़िया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बता दूँ आपको कि इनमें कंपेयर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, जबकि दोनों रोलेक्स एंड रॉकी कैरेक्टर अपने इक्वलिटी रखते हैं। पर हम लाए हैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनसे हम साफ पता लगा पाएंगे कि कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा औसम है। और किसी भी कैरेक्टर को नीचा दिखाना इस वीडियो का मेन मोटिव नहीं है। इसमें हम ऑनेस्ट और ब्लाइंड कंपैरिजन करेंगे वो विद फैक्ट्स के साथ। वीडियो स्टार्ट करते हैं दोनों कैरेक्टर्स के इंट्रो के साथ। यस सर, ओके सर, यस सर। बिजनेस करेंगे, ऑफर क्लोजेस सून। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कैरेक्टर्स के एनिमीज की, जहाँ पे रोलेक्स का है जो एक तो अंडरग्राउंड ऑफिसर, दूसरा है विक्रम जो एक रॉ ऑफिसर है, और तीसरा है अपना कैथी जो एक जेल का कैदी है और ऊपर से फुटबॉल प्लेयर है। अब रॉकी के एनिमीज की बात करें तो वो कई सारे हैं जिनकी लिस्ट ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, लेकिन इसके जो मोस्ट एनिमीज है वो तीन है। नंबर वन पे आता है अधीरा, नंबर टू पे आती है रामिका सेन जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया की, और नंबर थ्री पे आता है इनायत खलील। क्योंकि रॉकी का एक जो एनिमी है वो प्राइम मिनिस्टर भी है, इस वजह से ये सबसे पहला पॉइंट इस राउंड का मिलता है रॉकी को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है और रॉकी के पास ज़्यादा पावरफुल एनिमीज है। नंबर टू पे हम बात करें अगर एम्पायर की, तो रोलेक्स को 27 साल लगे थे अपने एम्पायर को बिल्ड करने में, और अब 27 साल बाद में इसके एम्पायर पर है जो खतरा है। अब बात करें हम रॉकी की, तो उसको 28 साल पहले इसका जो एम्पायर था वो बन चुका था, और रॉकी ने इस पर 3 साल तक ही रूल किया था, उसके बाद KGF डिस्ट्रॉय हो चुका था। इस वजह से ये पॉइंट मिलता है रोलेक्स को, क्योंकि इसने ज़्यादा लंबे समय तक हार्ड वर्क किया है, इस वजह से इसका जो एम्पायर है लंबे समय बाद बना है, इसलिए ये पॉइंट रोलेक्स को मिलता है। अब दोनों कैरेक्टर्स के जो पॉइंट्स है वो इक्वल हो चुके हैं 1-1। तो अब आइए नेक्स्ट राउंड में चलते हैं। बात करें राउंड 3 की, जिसका नाम है भोकाल, जहाँ पे रोलेक्स ने अपने पूरे करियर में इंडिया पे दबदबा मचा रखा है, और उसके कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं गया कि उसने और कहाँ कहाँ पे रूल किया है। और वहीं पे बात करें रॉकी की, तो उसने रामिका सेन को तो तंग करके ही रखा था, साथ ही साथ 16 कंट्रीज़ को भी तंग कर रखा था। इस वजह से 16 कंट्रीज़ के जो थे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो सभी रॉकी से डरते थे, उनकी हिम्मत नहीं थी रॉकी के से आके लड़ सके, इस वजह से उन्होंने जो है रामिका सेन के पास गए रॉकी की शिकायत करने, जिसकी वजह से रॉकी है जो ये राउंड भी जीत चुका है। अब हम अगर बात करें इनके एक्शन सीन्स की, इनमें से कौन सा कैरेक्टर सबसे बढ़िया एक्शन करता है, तो बात करें अगर हम रोलेक्स की, तो एक स्किल वुचर जो देखने में काफ़ी डरावना एक्शन करता है, और वहीं पे बात करें रॉकी की, तो इसके जो एक्शन सीन्स है वो काफ़ी फास्ट होते हैं, जिससे पता ही नहीं चलता कि उसने विलन को कब मारा। इस वजह से ये राउंड भी रॉकी जीतता है, और अब स्कोर हो चुका है 1-3। अब हम बात करते हैं गुस्से की, जहाँ पे रोलेक्स को गुस्सा आता है तो वो सीधी गर्दन काट देता है, और वहीं पे अगर हमारे रॉकी भैया को जब गुस्सा आता है तो पहले तो लेके कह के लेते हैं उनकी, फिर जाके उनको मारते हैं। नेक्स्ट है इनमें से सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, जहाँ पे रॉकी है वो गोल्ड का बिजनेस करता है, और वहीं पे रोलेक्स है जो ड्रग्स का बिजनेस करता है, इस वजह से रॉकी ये 2 राउंड भी जीत जाता है। नेक्स्ट राउंड की, इन दोनों ने अपने जो पैसे है इसको बचाने के लिए क्या क्या किया, जहाँ पे हम अगर बात करें रोलेक्स की, तो उसके जितना भी अभी तक लॉस हुआ है, इस वजह से उसने अभी तीनों कैरेक्टर्स के ऊपर अपनी पकड़ नज़र बनाए रखी है कि ये अभी क्या कर रहे हैं इन प्रेजेंट, जिनमें वो विक्रम से भी पीछे चल रहा है। और बात करें हम रॉकी की, तो उसने एक सोने के बिस्किट के लिए पूरे पुलिस स्टेशन पे तहलका मचा दिया था। अब जो इनका जो स्कोर है वो रोलेक्स का है 1 और रॉकी का हो चुका है 6। अब बात करते हैं इनमें से सबसे ज़्यादा डेयरिंग कौन है, जो पता लगेगा कि कौन कितनी बार अपने एनिमीज से मिला है। तो जहाँ पे रॉकी हर टाइम अपने एनिमीज से मिलता रहता है और उनको जाके चिढ़ाता रहता है, और विक्रम से रोलेक्स सिर्फ एक बार ही मिला है, वो भी पूरा, और उसमें भी रोलेक्स को है जो अभी तक नहीं पता चला कि वो विक्रम से मिल चुका है। अब हम बात करते हैं कि इनके जो मेन चैलेंजेस है वो क्या है, जहाँ पे रोलेक्स का जो चैलेंज है वो मेन चैलेंज यही है कि उसको अपना जो लॉस हुआ है जितने भी ड्रग्स का, उस 27 साल के एम्पायर पर जो भी रिस्क है, उन सभी को ख़त्म करना है और उन तीनों को मारना है एनिमीज को। वहीं पर रॉकी का जो मेन मकसद है वो यही है कि माँ के लिए पूरी दुनिया से सोना छीनना है।
इस वजह से रोकी 8-1 पॉइंट से जीत चुका है रोलेक्स से। ये तो बात हो गई फैक्ट्स की, अब बात करते हैं कि दिल से कि इनमें से कौन जीतता है। इसके लिए आप सपोज करो कि आप रोकी की गर्लफ्रेंड हो और जो रोलेक्स है इसका जो मेन मोटिव है कि उसको आपको मारना है और रोकी को आपको बचाना ही है कैसे भी करके। जहाँ पे जो रोलेक्स है वो एक चलता फिरता भूत है, वो आपको मारने के लिए कुछ भी करेगा, और वहीं पे जो रोकी है वो आपको पहले तो टच करने देगा कि भाई रोलेक्स टच करेगा, उसके बाद उसके जो बैंड बजाऊंगा। और यहीं पे मेन ट्विस्ट आता है, रोलेक्स सिर्फ टच करने के बहाने सीधा कहीं गर्दन ही नहीं उड़ाते। अब जो इनमें से जो जीतेगा वही मेन विनर है। अब जो इसका आंसर है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आप इनकी जगह होते तो क्या होता, रोलेक्स आपको मार देगा या फिर रोकी आपको बचा लेगा, कमेंट में ज़रूर बताना। और अब मुझे डर लग रहा है रोलेक्स से, क्योंकि यार इसको मैंने राउंड्स में हरा दिया है। अगर ये वीडियो रोलेक्स के पास पहुंच गया तो भाई मेरी तो खैर है नहीं। रोलेक्स सर सॉरी, पर अब आप मेरे को मत आना मारने। और अब मुझे रोलेक्स से जो रोकी भी नहीं बचा सकता, क्योंकि रोकी अब डूब चुका है पानी में और रोलेक्स अब तक जिंदा है। अगर हम बात करें रोलेक्स की हार की मेन वजह जानने की, तो रोलेक्स की हार का सिर्फ यही कारण था कि उसके बारे में हमारे पास ज़्यादा रिसोर्स और डिटेल्स नहीं है, क्योंकि उसके बारे में सिर्फ 10 मिनट का ही कैमियो आया था जिससे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल पर जुड़े रहिए ऐसे ही अपडेट के लिए।